हाय गाइस, वेलकम टू एक्सटीएमएस सीरीज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बटन एलिमेंट। देखो, हम पिछले कुछ वीडियो से फॉर्म के अंदर के एलिमेंट देख रहे हैं, तो अभी इनपुट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बटन। तो आपको, आपने पिछले वाले दो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे जाके एक बार देख लो, मतलब आपको वो दोनों समझ में आएंगे, फिर बटन का समझ में आएगा। देखो, बटन का यूज़ फॉर्म के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। मतलब जैसे कि आप बोलो कि किस तरह से होता है, तो बटन्स की लिमिटेशन सिर्फ फॉर्म के अंदर नहीं, आप बाहर भी बटन का यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से देखो, आपको कई बार कुछ फंक्शन रन करने होंगे तो उस टाइम बटन का यूज़ बहुत होता है, और बटन का यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि फॉर्म सबमिट करना, या फिर आप क्लिक करने के बाद मेन्यू बार ओपन होना चाहिए, उसमें भी बटन का यूज़ होता है। तो हम आने वाले जैसे वीडियो हम देखेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी इस वीडियो से मतलब कैसे क्या, अभी मैंने HTML ली, फिर CSS, फिर JavaScript, फिर आपको डीपली नॉलेज दूंगा, फिर आपको एक वेब डेवलपमेंट मतलब आप बेसिक वेबसाइट भी बना सकते हो, ये सब प्लेलिस्ट देख ऐसा मैं आपको क्रिएट करना चाहता हूँ, ऐसा मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो हम एक एक करके उस तरह से देखेंगे। तो देखो, अभी इस वीडियो से हम देखो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, बटन। तो देखो, द बटन एलिमेंट डिफाइन द क्लिकेबल बटन। क्लिकेबल मतलब बटन क्या डिफाइन करता है, कि आप उसको क्लिक कर सकते हो। ये कौन डिफाइन कर सकता है, बटन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, और यहाँ पे ऑन क्लिक अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ऐसा इन्होंने एग्जाम्पल दिखा है। बट ये अलर्ट ऑन, आप बोलोंगे कि ये तो आपने सीखा ही नहीं ऑन क्लिक क्या होता है, ये सब जावास्क्रिप्ट है। ये सब मैं आपको जावास्क्रिप्ट के सीरीज में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में हम कुछ भी इस कंसेप्ट में, एक रेफरेंस के लिए मैंने बताया कि आप इसको क्लिक करने के बाद अलर्ट मैसेज आता है कि हेलो वर्ल्ड। इस तरह से आप फंक्शन रन कर सकते हो बटन का यूज करके। बट बटन का यूज अभी हम क्या देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर बटन का यूज दो है, आप एक उसको बटन के जैसे यूज कर सकते हो फर्स्ट, और सेकेंड मीन्स आप उसको टाइप का उसको फॉर्म सबमिट के जैसे देख कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बटन ही लिखा, फिर उसके अंदर और एक भी है सबमिट का। तो ये दोनों किस तरह से, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए विजुअल स्टूडियो के उधर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो, हम विजुअल स्टूडियो पे आ गए। अभी मैं यहाँ पे लाइव सर्वर पे जाता हूँ, तो हम लाइव सर्वर पे भी आ गए। ये लाइव सर्वर पे आ गए, इनपुट के अंदर हम क्या देखेंगे, बटन। अभी इनपुट मैंने ऐसा ही लिखा, मैं तो ये हटा भी सकते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे लिखा बटन, अभी उसके अंदर देखो ये आ गया। मैं अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, फॉर्म एक बना के दिखाऊंगा। ये फॉर्म नहीं, पहले मैं आपको बटन ही दिखाता हूँ। बटन 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 आ गया। अभी उसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, किस तरह सबमिट, सेव किया। फिर उसके अंदर मैंने टाइप लिखा, टाइप क्या लिखा, टाइप टाइप लिखा। उसके अंदर मैंने देखो क्या क्या है, मेनू है, रिसेट है, देखो कितने सारे उसके टाइप है। अभी मेनू है, रिसेट है, ये मेनू का ये तो इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है यूज, बट अभी तो अपने लिए कौन से रिसेट का, मैंने रिसेट है और सबमिट है और बटन है। रिसेट का भी आपको समझाया मैंने, नहीं देखा होगा तो आप प्लीज जाके मेरे वीडियो देख लो, आपको उसमें समझ में आएगा कि रिसेट का क्या है। मेरे प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो है रिसेट की भी, वो एक बार जाके देख लो, आपको समझ में आया होगा। अभी क्या है मेन्यू से बटन, अभी बटन मैंने देखा और मैंने सेव किया। तो अभी मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। देखो, ये इसका वर्क क्या हो रहा है, बटन का जैसा हो रहा है। बट आप बोलोगे इसका यूज फॉर्म में क्या है, ये तो ये जो बटन का नॉर्मल बटन का यूज है ना, ये आप फॉर्म के बाहर यूज है। मतलब यहाँ पे मेनू बार होगा तो क्लिक करने के बाद मेनू बार ओपन होना चाहिए, क्लिक करने के बाद मेनू बार क्लोज होना चाहिए, तो उसमें ये बटन का यूज बहुत ज्यादा होता है। बट अभी हमारे फॉर्म में इसका बटन का यूज नहीं है, बट सबमिट का यूज होता है। तो सबमिट देखो, सबमिट का यूज है, सबमिट का किया। जब हम सबमिट करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर अभी हमने फॉर्म बनाया ही नहीं तो सबमिट कैसे होगा, देखो फॉर्म पहले बनाना पड़ेगा। ये हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया नॉर्मल सा। अभी ओके, ये फॉर्म बन गया। अभी इसके अंदर हमने क्या किया, एक इनपुट टैग ले लिया एक डेमो के लिए, फिर उसके अंदर हम ये सबमिट बटन रखेंगे, ये मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे जाके मैंने सबमिट बटन सेव कर दिया, आ गया फॉर्म के अंदर आ गया। अभी इसमें मैं जो भी वैल्यू रखूंगा, ये मैंने मेरा नेम होगा, ये मैंने लिखा, फिर मैंने सबमिट किया, ये क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। मतलब फॉर्म सबमिट के टाइम ये बटन की वैल्यू सबमिट रहेंगे तो सबमिट हो जाएगा, बट इसकी वैल्यू बटन रहेंगी तो ये होगा क्या, सबमिट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जाके लिखा कुछ हो रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि बटन ही है वो, नॉर्मल क्लिक है, बट उसमें कुछ फंक्शन लगा इसलिए नहीं होगा, बट इसकी वैल्यू सबमिट होंगी। फिर यहाँ पे जाके मैं फॉर्म के अंदर होगा, मैं करूंगा सबमिट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।